हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फलाहार के लिए थाली बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाने में तो मज़ा आता ही है, साथ में खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर दिन भर के उपवास के बाद ये खाना मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो अब मैं इसमें सौंफ डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है और बस 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाल दिया है। अब इन सबको हम चला लेते हैं अच्छे से, और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं ताकि जब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालें तो ऊपर उड़ के ना आए। मैंने इसमें टमाटो डाल दिया है 3, जिसको कि मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, और इसको डालकर अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, और जीरा पाउडर डाल देती हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर, कुछ मिर्च मैंने यहाँ डाल दी है कट करके, और इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 3 आलू लिया है, आलू को भी हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 आलू लिया है, उसको मैंने क्रश करके डाल दिया, और साथ में अब हम इसके फ्राई करने वाले हैं। बस 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको थोड़ी देर हम बॉयल होने के लिए देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं या जो ग्रेवी वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए, करीब 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ढककर छोड़ दिया था, और अब हमारी जो सब्जी है वो बनके तैयार है। मैंने इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। लजीज आलू टमाटर की सब्जी हमारी बनके तैयार है, तो इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। आप जब इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये खट्टा तीखा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ निकाल दिया है बोल में। अब मैंने फिर से कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और अब मैं यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। एक इलायची डाली है, 2 लौंग डाला है, और थोड़ा सा जीरा डाला है 1/2 टीस्पून के करीब, और इन सबको हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको चला दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, और अब मैंने इसमें काजू और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर और 5-6 काजू को मिलाकर पेस्ट बना लिया था उसका। 2 कटी हरी मिर्च डाल देती हूँ, जिससे कि सब्जी का टेस्ट तीखा हो जाए। और यहाँ पे मैंने क्रश करके जिंजर को भी डाल दिया है, करीब 1 चम्मच, और इन सबको हम फ्राई कर देते हैं अच्छे से। यहाँ हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, और अब हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर, जब तक ये थोड़ी सी भुन ना जाए हमारा जो मसाला है। अब इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, करीब 100 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, और अब हम इसको डालकर थोड़ी देर फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए, सब्जी हमारी लगभग बनके तैयार है। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, और इसे चला देते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी को भी डाल दिया है क्रश करके, और धनिया पत्ती को भी डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने मलाई डाल दी है यहाँ, करीब 1 चम्मच, घर की जो मलाई होती है नॉर्मल, मैंने बस उसी को यूज़ किया है। बस आधा से 1 मिनट हम इसे और चला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये टमाटर का पानी है जो मिक्सर में बच गया था, मैंने उसी पॉट में पानी डाल दिया था, और उसी को मैंने वापस इस सब्ज़ी में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे, और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, सब्जी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा। बस इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, और बस ये हो चुका है। मैंने आधे मिनट के लिए इसे ढका होगा, आधे से 1 मिनट के लिए, और ये सब्ज़ी देखिए बराबर बन के तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज, बिल्कुल तीखी चटपटी। और इसे अब मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ, सर्व कर देती हूँ। ये देखिए, बढ़िया सब्जी तैयार है हमारा पनीर का बन के। और मैंने यहाँ वापस से कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने घी डाल दिया है करीब 1 टेबल स्पून, और अब मैं यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने छोटे वाले साबूदाने का यूज़ किया है, और 1 कप मैंने साबूदाने को पहले भिगो लिया था करीब 3 से 4 घंटे तक, उसे ज़्यादा भिगोने में टाइम नहीं लगता है। और इसे घी में हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देंगे ताकि जो खीर बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। इसमें अब हम दूध डाल देते हैं,
मैंने 1 कप साबुदाना लिया था, तो मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। ये मलाई वाला मैं यहाँ दूध यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि खीर बहुत ही गाढ़ी हो और अच्छी बन के तैयार हो। तो इसे मैं चला लेती हूँ दूध के साथ। इसे हमें पकाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये गाढ़ा ना होने लग जाए और साबुदाना हमारा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लग जाए। तो अगर आपको छोटे वाले साबुदाने नहीं मिलते हैं तो आप मीडियम साइज़ के भी साबुदाने को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच, 2 चम्मच से ज़्यादा यहाँ चीनी नहीं डालूँगी क्योंकि चीनी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ये परफेक्ट है इस खीर के लिए 2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर हम चला देते हैं और चीनी डालने के बाद आप इसे छोड़िए नहीं, बराबर चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। साबुदाने की खीर अब बन के तैयार है। मैं अब इसे एक छोटे से बकेट में निकाल लेती हूँ जो बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर है देखने में, तो मैं इसी में इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होने लगती है, तो इसको इसी कंसिस्टेंसी पे हमें रोक देना पड़ता है ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब मैं इसे पूरी तरह से मैंने इसको निकाल दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए वाह। और अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट लिया है और ये कद्दूकस लिया है। अब मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 अरबी और 1 आलू लिया है। इस अरबी को मैंने छील लिया था और अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये एक बहुत ही नए तरीके का पकौड़ा है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप इसे फलाहार में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो इसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ रहा था तो मैं इस कद्दूकस से अब उसको कद्दूकस कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बड़े वाले का यूज़ किया है, जिससे कि उसके अच्छे लच्छे निकले और जब हम पकौड़े बनाएं तो वो बढ़िया बन के तैयार हो, बिल्कुल मैश ना हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बड़े वाले कद्दूकस का यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने आलू और अरबी दोनों को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है, जिसको कि मैंने रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। धनिया पत्ती डाल रही हूँ करीब 2 चम्मच, क्रश करके जिंजर डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीन चिली डाला मैंने 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने डाला है अब 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ इसमें। काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, जिससे इसका बहुत ही चटपटा स्वाद आता है। यहाँ मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है तो इसको मैं 3 बड़े चम्मच डाल दूंगी और इससे ही आज हम पकौड़े बनाने वाले हैं। अभी मैंने 2 ही चम्मच डाला है, बाद में फिर 1 चम्मच और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे हम मिक्स कर देते हैं और यहाँ हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आलू और अरबी में भी मॉइस्चर होता है, तो उससे ही हमारा काम हो जाएगा। ये जो पकौड़ा हम बनाने वाले हैं, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दिया और वापस से 1 चम्मच राजगिरे का आटा डाल दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है तलने के लिए, तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया है वापस से और इसमें घी डाल देती हूँ मैं। इसे हमें फ्राई करना है तो मैंने यहाँ पे घी डाला है और ऑयल का भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं या सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, या जैसे मैं बना रही हूँ ऑयल और घी मिक्स करके बनाएं क्योंकि फलाहार बना रहे हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। अब इन पकौड़ों को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। ध्यान रहे कढ़ाई का ऑयल हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये जो पकौड़े हैं ये बिल्कुल नीचे कढ़ाई में चिपक जाते हैं और इसे पलटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा कढ़ाई के ऑयल को पूरी तरह से गर्म करें, उसके बाद ही हम इस पकौड़े को अगर कढ़ाई में डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो मैंने एक एक करके पकौड़ों को इसमें डाल दिया है, जितना तेल का कैपेसिटी था इसके अनुसार मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम पलट लेते हैं। यहाँ मेरा ऑयल जो था वो पूरी तरह से गर्म नहीं था, हल्का कम था गर्म, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो चिपक गया नीचे, तो मैंने वहाँ नाइफ़ का यूज़ किया था। और ये पकौड़े देखिए हमारे तल के तैयार हैं, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया एक गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया था और ऐसे ही करके मैंने अपने सारे पकौड़ों को तल कर तैयार कर लिया है। और अब मैं एक रायता बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच दही लिया है और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इसे हम बीट कर लेते हैं अच्छे से ताकि वो स्मूथ हो जाए बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, चीनी पाउडर 1 चम्मच, छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाला है और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है
और अब यहाँ पे हम कटे हुए कुकुम्बर को डाल देते हैं खीरे को, जिसको कि मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, और अब इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। बहुत ही फ्रेश सा टेस्ट आता है इस रायते का, इस फलाहारी थाली के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैंने इसमें गाजर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए रायता हमारा बनके तैयार है। अब इसमें मैं अनार के दाने डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा औसम हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है ये रायता हमारा। तो इसमें रायता मैंने मिक्स कर दिया है और एक हेल्दी रायता हमारा बनके तैयार है। अगर आपके पास अनारदाने नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी होता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, इसमें मैं राजगिरे का आटा डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसकी पूरी बना के तैयार करने वाली हूँ। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, जिससे ये पूरी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। और इसमें सॉल्ट डाल देते हैं स्वाद अनुसार, नमक, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से। धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक बढ़िया डो बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि गेहूं का आटा नहीं होता है, राजगिरे का आटा है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, और ये देखिए आटा जो है हमारा अच्छे से लग चुका है, इसका एक बढ़िया डो बन के तैयार है। तो अब हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने वापस से थोड़ा सा घी डाला, ताकि हाथ में ये बहुत ज़्यादा चिपके नहीं, वैसे ही चिपकता नहीं है ज़्यादा। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, बॉल्स बना लेंगे। इतने आटे से हमारा 6 से 7 लोई बनकर तैयार हो गया है, और अब हम इसे हाथ से ही फ्लैट करेंगे। यहाँ बेलन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फट जाता है। तो इसे हाथ से ही हम पूरी का शेप देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए हाथ से ही ऐसे करके हम इसे फ्लैट करेंगे और पूरी का शेप देंगे। ये मैंने सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, घी में, जैसे भी आपको मन हो आप उसमें फ्राई कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे पूरी को फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल गर्म होना चाहिए अच्छे से, अगर ऑयल गर्म होगा तो ही आपकी पूरी जो है वो फूलेगी, नहीं तो वो दब जाएगी। तो देखिए ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म था, तो पूरी जो है हमारी फूल रही है अच्छे से। एक एक करके मैं ऐसे ही सारी पूरियों को निकाल लेती हूँ फ्राई करके। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ताकि जो पूरी है वो अच्छे से फूल सके। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो पूरी है वो बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपनी सारी पूरियों को तल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गेहूं के आटे से नहीं बना हुआ है, गेहूं के आटे के जैसा ही ये बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही इजी है राजगिरे के आटे से भी पूरी बनाना। आप चाहे तो राजगिरे का आटा, सिंघाड़ा का आटा या कुट्टू का आटा कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे पूरी को बनाने में। फलाहारी के लिए इन सब आटे का ही यूज़ किया जाता है, रोटी पूरी कुछ भी बनाने के लिए। ये देखिए कितनी फुली हुई पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे सारी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, और साबूदाने की जो खीर बनाई थी मैंने उसे रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपनी सब्जी को भी सर्व कर देते हैं। यहाँ मैंने पनीर की सब्जी को डाल दिया है बोल में, और अब आलू की सब्जी को हम डाल देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी हमारा ये सब्जी, देख के ऐसा लग रहा है कि बस देखते ही इसे खा ले। मैंने रायते को भी डाल दिया है इसमें। अगर फलाहारी में आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि हम फलाहारी का खाना खा रहे हैं। और अब मैंने पकौड़ों को भी डाल दिया है। ये पकौड़े बहुत ही औसम है, आप ज़रूर इन पकौड़ों को एक बार टेस्ट करें, ट्राई करें, घर पे बनाएं। बहुत ही नायाब तरीके से बनाया हुआ ये पकौड़ा है। और मैंने यहाँ पे पूड़ियों को भी डाल दिया है। ये देखिए हमारी जो फलाहारी थाली है वो बनके तैयार है। तो आप भी अगर घर में उपवास पे हैं तो इस थाली को ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, और बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।